अजीब है, ये बड़ा बॉक्स इधर क्यों आया है? मैंने तो ऑर्डर नहीं किया था। लड़कियों क्या तुमने? मैंने कुछ नहीं ऑर्डर किया है, मैंने भी नहीं, शायद समांथा ने। मैंने बिल्कुल नहीं। अच्छा तो किसी ने ऑर्डर नहीं किया, पर ये हमारे पास आया है तो ये हमारा तोहफा होगा। वाह, ये तो एक चॉकलेट फाउंटेन है। चॉकलेट? तो हाँ, ये मेरा ऑर्डर है, ये मुझे दे दो। क्या, झूठ मत करो, ये मैंने मंगवाया है। अच्छा कुछ भी, ये फाउंटेन मेरा है, दूर हो जाओ। अरे चुप हो जाओ, रुक जाओ और एक सेकंड चिल्लाना बंद करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी लड़ाई का हल क्या है। एक चुनौती मदद कर सकती है फैसला करने के लिए कि यह पुरस्कार कौन जीतेगा। वाह, यह अच्छा आइडिया है। इस ड्राइंग चुनौती में तुम्हारा स्वागत है। ये चॉकलेट फाउंटेन उसे जाएगा जो इसकी सबसे अच्छी ड्राइंग बनाएगा। ठीक है, तो अब समय है शुरू करने का, पर यह याद रखना कि तुम्हें हाथों के बिना ड्राइंग करनी होगी। यह एक नियम है। अगर सब समझ आ गया हो तो तुम्हारा समय शुरू होता है अब। मुझे तो पूरा यकीन है कि जीत मेरी ही होगी, मैं इन बेवकूफ के साथ क्यों खेलूं? अच्छा ये तुम कह रही हो। कुछ मुझे बता रहा है कि ये चॉकलेट फाउंटेन मेरा ही होगा, क्योंकि मैं इतनी अच्छी ड्राइंग करती हूँ। क्या, नहीं वो मेरा होगा। No. पर हाँ, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, मैंने अब तक जो बनाया है, शायद मुझे किसी और तरीके से करना चाहिए। हाँ, स्केच पेन से बनाना ज्यादा आसान होगा। अरे हाँ, स्केच पेन, मैं भी इसे बनाती हूँ। तुम तो वो खोल भी नहीं पाई। यह कोई हंसने वाली बात नहीं है। अब मैं क्या करूँ? उन दोनों की कितनी सुंदर ड्राइंग है। कोई बात नहीं, अगर मैं खुद अच्छी ड्राइंग नहीं बना सकती तो मैं दूसरों के मास्टरपीस बर्बाद कर सकती हूँ, और इसमें यह पंख मेरी मदद करेगी। ये तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से मेरी पूरी ड्राइंग बर्बाद हो गई। बुरा हुआ। तुम हंस क्यों रही हो? मैं तुम्हारा भी बर्बाद कर सकती हूँ। पहले तुम्हारा चेहरा और अब तुम्हारी ड्राइंग, अब फिर हंस कर दिखाओ मेरे ऊपर। अरे नहीं, बस मत करो। चेल्सी, तुम इतनी खुश क्यों हो? मैं तुम्हारी ड्राइंग भी बर्बाद कर सकती हूँ। नहीं दोस्तों, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, अपनी तस्वीर दिखाओ। मैं चेल्सी की ड्राइंग ही बर्बाद नहीं कर पाई। देखते हैं कि तुमने क्या बनाया है। मेरी, यह क्या है? वो कोई फाउंटेन की तरह नहीं लग रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। सामंता, तुम्हारी ड्राइंग भी कुछ खास नहीं है, तुमने ठीक से क्यों नहीं बनाया? मेरा वाला कैसा लग रहा है? वैसे बाकियों से तो बेहतर है, पर और अच्छा बना सकती थी। ठीक है, क्योंकि उन दोनों का और भी खराब है, इसलिए चेल्सी जीतती है। हुर्रे, सबसे ज्यादा मैंने ही मेहनत किया था, इसलिए मैं ही इसके लायक हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही चॉकलेट पी सकती हो? तुम गलत हो, हम भी पी सकते हैं, और खास इसके लिए हमारे पास विशेष स्ट्रॉ भी है। कितना स्वादिष्ट है। अरे चॉकलेट कहाँ गया? तुम हमारी दोस्त हो ना, इसलिए तुमने हमारे साथ शेयर किया। तुम चोर। क्या तुम अगले दौर के लिए तैयार हो? इस बार तुम्हारा इनाम और भी शानदार होगा, प्यारा कुत्ता। ओ कितना प्यारा है, और आज इसने बहुत खाया है, इसलिए वह इधर ही टॉयलेट भी चला गया है। और तुम्हारा पुरस्कार है यह पूप, जो भी इसे अच्छे से बनाएगा उसे यह मिल जाएगा। और तुम्हारा समय शुरू हो गया है। मुझे पूप नहीं चाहिए, कुछ भी चलता, पर यह क्यों? मुझे अपनी जिंदगी की सबसे खराब ड्राइंग बनानी होगी। मैं बहुत खराब ड्राइंग बनाऊंगी। अरे हाँ, अपने पैर से चित्र बनाने से और बुरा कुछ नहीं है। महक के लिए माफ कर देना। यह क्या, क्या ये किसी तरह का न्यूक्लियर जंग चल रहा है? ये बदबू कहाँ से आ रही है? बस मेरा पैर ही तो था। सब लोग जरूर कुछ अच्छा बनाएंगे, और मैं बस अपने कागज पर पेन से कुछ भी बना देती हूँ। इस तरह मुझे वो गंदी चीज किसी हाल में नहीं मिलेगी। अरे मेरा भूरा मार्कर गिर गया।
मुझे किसी और रंग का लेना होगा। सब कुछ मेरे हाथ से गिर रहा है, मुझे और ध्यान से करना होगा। देखती हूँ दोनों ने क्या बनाया है। तुम्हारा समय खत्म हो गया है, मुझे अपना काम दिखाओ। हो गया, ये मैं अपना ड्राइंग दिखाने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे और उम्मीद थी। वाह सामंता, तुम बहुत चालाक हो, बहुत अच्छी ड्राइंग है। मैरी, तुम सो क्यों रही हो? मैं सो नहीं रही हूँ, यह रही मेरी ड्राइंग। ओह, यह तो सच में वही है, तो पुरस्कार तुम्हें ही मिलेगी। चलो मैरी को बधाई देते हैं। पूप, ची, नियमों के हिसाब से तुम्हें यह खाना होगा। क्या, काश मैं किस्मत वाली हूँ और यह बस चॉकलेट निकले। ची, वो पूप खा रही है सच में। अरे तुम खुद ही पूप होगी, यह तो स्वादिष्ट चॉकलेट पेस्ट है। क्या तुम्हें चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। दोस्तों, क्या तुम नए दौर के लिए तैयार हो? इस बार तुम लोग इस प्यारे से बिल्ली के लिए लड़ोगे। ओ, कितना छोटा है और बहुत फ्लफी भी। अगर तुम अच्छे से ड्राइंग करोगे तो ये तुम्हारा होगा। इस बार तुम्हें क्रेयन से ड्राइंग करनी होगी और वो भी अपने चेहरे पर। समय शुरू हो चुका है। हाँ, मैं कागज पर क्यों बनाऊँ अगर मैं खुद एक प्यारी बिल्ली की तरह लग सकती हूँ। बस चेहरे पर कुछ चीजें बनानी होंगी, नाक और गाल पर। मैं भी एक किटी की तरह लग रही हूँ। बहुत बढ़िया, तुम लोग जितनी चाहो कोशिश कर सकते हो, पर सिर्फ मैं हूँ जो एक आईना लेकर आई हूँ। इसके बिना मैं पक्का ठीक से नहीं बना पाती, और वैसे भी ये नियमों के खिलाफ भी नहीं है। जीत तो पक्का मेरी होगी। चेल्सी तो कुछ बन ही नहीं रहा है। What? और मैरी, वाह! अरे आईने का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? देखो चेल्सी, क्या तुम देख रही हो क्या कर रही है? हाँ यह सही नहीं है, हमें मैरी को एक सबक सिखाना ही होगा। चलो उसका मेकअप पोज देते हैं। मैरी, क्या तुम नहाने के लिए तैयार हो? तो यह लो। नहीं, तुम ये क्यों कर रही हो? मुझे एक प्यारी सी बिल्ली अभी मिल सकती थी। हाँ बिल्कुल बिल्ली, अगर सामंता का भी अच्छा होगा तब मुझे वो बिल्ली मिलेगी ही नहीं। मुझे उसका भी मेकअप बर्बाद करना होगा। सामंता, तुम्हारा मेकअप थोड़ा फैल गया है। कहाँ, बताओ ना, मैं ठीक कर लूंगी। बेहतर होगा कि मैं मदद करूँ, मेरे लिए मुश्किल नहीं है। अब कमाल का लग रहा है, धन्यवाद यार। चलो दोस्तों, अब अपने चेहरे दिखाओ, देखते हैं किसने क्या बनाया है। मैरी, तुमने फिर कोशिश भी नहीं की। ये भयानक चीज मैं बिल्ली को देखने भी नहीं दे सकता। सामंता, क्या तुमने देखा भी एक बिल्ली कैसे देखती है? इसका पायरेट से क्या लेना देना? पायरेट? कौन सा पायरेट? ओह चेल्सी, मैंने तुम्हें सबक सिखा दिया, पर अब जैक मेरे मेकअप की तारीफ करेगा। हाँ, फिर से चेल्सी ही जीतती है, क्योंकि बाकियों का बहुत खराब था। हुर्रे, अब ये क्यूटी पाई मेरा है। अच्छो, लगता है मेरे बचपन की बिल्लियों की एलर्जी वापस आ गई है। अच्छो, अच्छा कोई बात नहीं, अब ये बिल्ली और अच्छे से रहेगी मेरे और मैरी के साथ। नहीं, वो मेरी है। क्या तुमने खुद को देखा भी है? पहले खुद को ठीक करो, फिर बिल्ली के बारे में सोचना, क्योंकि पिछला पुरस्कार इतना अच्छा था, शायद तुम्हें यह वाला पसंद ना आए। तुम इस मछली के लिए लड़ोगे, और इस बार तुम्हें अलग अलग सॉस के साथ ड्राइंग करनी होगी। यह मुश्किल होगा, पर तुम कर सकते हो। टाइमर स्टार्ट हो गया है। हाँ चलो, यह बहुत बढ़िया होगा। सॉस के साथ ड्राइंग करना ना केवल मजेदार बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। तुम क्या कर रही हो? अपना कचरा अपने साथ रखो। ओह सॉरी, गलती से हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, सॉस के साथ पेंट करना मजेदार होगा। ये कितने रंगीन है, कितना मस्त लग रहा है। देखो, केचप कोई बुरा पेंट नहीं है। मुझे तो लगता है कि चीज सॉस का भी रंग बहुत अच्छा है, तो मैं इससे भी एक बढ़िया ड्राइंग बना सकती हूँ। Yes!
दिन जल्दी खत्म हो गया है, पर चलो कोई बात नहीं, सारे ही रंग बहुत ही प्यारे हैं, तो मैं किसी भी सॉस से अपनी ड्राइंग बना सकती हूँ। वाह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सॉस से पेंटिंग करना इतना दिलचस्प होगा। वाह, सबकी पेंटिंग कितनी अच्छी है, मुझे भी कुछ करना होगा, मुझे भी एक सुंदर ड्राइंग चाहिए। इन सॉस की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो जरूर इसका स्वाद भी अच्छा होगा। अरे वाह, क्या स्वाद है, मैं इसे पेंट क्यों करूं अगर ये खुद ही इतने अच्छे हैं। सच में मुझे तो लगता है ये सिर्फ साधारण सॉस है। हाँ, पर ये कितना अच्छा और स्वादिष्ट है। हाँ जरूर होगा, पर तब भी ड्राइंग करना बेहतर है। अरे ये बेकार डब्बे, नहीं, इससे मेरी पूरी पेंटिंग बर्बाद हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है। ओ, मैंने तो सारे सॉस खा लिए, अब मेरे पास ड्राइंग करने के लिए कुछ भी नहीं है। पर कोई बात नहीं, मैं सामंता से चुरा सकती हूँ। तुम्हारा समय समाप्त हो गया है, दिखाओ किसने क्या बनाया है। हाँ दिखाओ, और अब मैं ये अच्छी ड्राइंग अपने लिए ले लेती हूँ। मैरी, आज का दिन पक्का तुम्हारा नहीं है। ड्राइंग ठीक ठाक है, पर मुझे चेल्सी का ज्यादा पसंद आया, बहुत अच्छा। सैमंथा, तुम क्या कर रही थी, क्या तुम्हें ऐसा लगा कि बैठे रहने से तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, तुम्हें यह मछली मिलेगी। बधाई हो सामंता, तुम्हें बहुत सारी मछली मिलेगी, सब चेल्सी की वजह से हुआ है, मैं इतनी कच्ची मछली नहीं खा सकती हूँ। आइडिया, कच्ची मछली क्यों खाऊं अगर मैं इसे पका सकती हूँ। ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, मैं ऐसे ही हर जगह अपना बर्नर लेकर नहीं चलती हूँ। ओह चेल्सी सॉरी, लगता है आग तुम तक भी पहुँच गई। हाँ, और ये लुक तुम्हें सूट कर रहा है। इस बर्नर की मदद से मैं इस मछली को एक स्वादिष्ट सी डिश में बदल सकती हूँ, और यह करना बहुत आसान है। हो गया, अब मैं इसके मजे लूंगी। बहुत स्वादिष्ट है। कि कौन भाग्यशाली होगा। वाह, हम कितने किस्मत वाले हैं, सोने के टुकड़े मिले हैं। वाह, अब हम अमीर हो गए हैं। हाँ वो तो है। रुको, मेरे वाले से अच्छी खुशबू आ रही है, शायद ये सोना नहीं है। क्या ये चॉकलेट है, अगर हाँ तो मुझे भी चखने दो। नहीं, मैं यह खाऊंगी, तुम्हारे पास तुम्हारा अपना है। बिल्कुल, मैं इसे जल्दी से खाती हूँ। अरे नहीं, यह असली सोना है, लगता है अपने टूटे हुए दांत को ठीक करवाने के लिए मैं इसको खर्च करूंगी। बेकार की बातें मत करो, दांतों का इलाज कैसे किया जाता है मुझे पता है, अपना मुंह खोलो। नहीं, ऐसा करना जरूरी नहीं है। कैसे जरूरी नहीं है, मैंने अपना ड्रिल तैयार कर लिया है, और अब मैं सब कुछ करूंगी, और तुम्हारा यह गोल्ड बार काम आ जाएगा। What? कैसा लग रहा है, सोने के बने हुए दांत अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ बहुत अच्छे। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, 3 की गिनती पर ढक्कन खोलते हैं, पर आंखें बंद करके। बुद्धू, मेरे चाल में फंस गई। मिर्च, चलो इसे डायना के लिए रख देती हूँ, अब मुझे कुछ स्वादिष्ट मिलना चाहिए। 1, 2, 3 खोलती हूँ। वाह, मुझे चॉकलेट मिर्च मिली है। वाह, और मुझे असली मिर्च मिली है। मैं जलना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें खाना होगा, क्योंकि तुम किस्मत वाली नहीं हो और मैं किस्मत वाली निकली। हमें इस स्वादिष्ट मिर्च को जल्दी खा लेनी चाहिए, ये चॉकलेट देखने में शानदार लग रहा है। मेरे पास चॉकलेट और तुम्हारे पास मिर्च, वाह मैं कितनी खुश हूँ। तुम थोड़ा वो चॉकलेट मुझे भी दे सकती हो खाने के लिए? किस लिए? तुम्हारे पास अपनी मिर्च है, उसे खाओ। ओके। शायद ये काफी तीखी है। अरे वाह, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है। और इसके अंदर चॉकलेट मेरा इंतजार कर रही है।
अजीब है, अगर मेरा चॉकलेट है तो फिर ओह नहीं। और क्या हुआ? मेरे मिर्च चॉकलेट है और मुझे डर है कि तुम्हारी मिर्च असली है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मेरी मदद करो, बचाओ। देखो मैं कितनी किस्मत वाली निकली, और मैं सोच रही थी कि मुझे तीखी मिर्च को बर्दाश्त करना पड़ेगा। यह मिर्च मेरे पास आ गई है यह सही नहीं है। कृपया मेरी मदद करो वरना मैं जल जाऊंगी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, कुछ करो। अच्छा अच्छा, मेरे पास एक ग्लास पानी है। क्या आप ठीक है? नहीं, कुछ मदद नहीं मिली। मैं फिर से जल रही हूँ, इस बार और भी ज्यादा तेज। मैं अभी आती हूँ, थोड़ा रुको, मैं आ रही हूँ। हाँ, जब तक तुम वापस आओगी तब तक मैं खुद ही इस स्प्रिंकलर की मदद से आग बुझाने का प्रयास करती हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए जल्दी से दूध की बाल्टी लेकर आ गई हूँ, ये लो। तुमने ऐसा क्यों किया? आग तो बहुत देर पहले ही बुझ चुकी थी और अब मैं पूरी तरह से दूध में ढकी हुई हूँ। पॉपिट, यह अजीब पुरस्कार है, पता नहीं कौन असली है और कौन चॉकलेट। मेरा यकीनन असली है, मैं इसके साथ खेल सकती हूँ, ये बहुत अच्छा है। तो मेरा चॉकलेट है, हमें इसे जल्द से जल्द खाना चाहिए। आह, चोट लग गई, ये बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं है। तुम्हें अभी अपना चेहरा देखना चाहिए था। तब हमारे ट्रीट किधर है? हमारे चॉकलेट किधर है? अजीब है, देखो क्या तुम्हारे पॉपिट पर भी यह प्रश्न चिन्ह है? प्रश्न चिन्ह? हाँ यह रहा, इस बटन पर। चलो इसे दबाने की कोशिश करते हैं, तब शायद कुछ स्वादिष्ट दिख जाए। वाह, चॉकलेट कोला। मुझे असली कोला मिला है और यह भी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, लग रहा है इस दौर में हम दोनों ही भाग्यशाली निकले। चॉकलेट से बना कोला मैंने पहले कभी नहीं चखा है। इसका स्वाद मैं जैसा सोच रही थी उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। बोतल के अंदर क्या है? हाँ, यहाँ भी लिक्विड चॉकलेट है और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। तुम्हें अपने दांत देखने चाहिए थे। लेकिन ऐसे ही सारे लिक्विड चॉकलेट को पीना बोरिंग है, इसमें कुछ अलग सा बनाना मजेदार होगा, जैसे कि चॉकलेट पॉपिट, इस तरह से। बढ़िया, तुम नहीं बना पाओगी, असंभव नहीं है। अच्छा ऐसा है, मुझे तो लगता है कि तुम बस जल रही हो। देखो यह तैयार हो गया, चॉकलेट पॉपिट तुम्हारे नजर के सामने है। ये बहुत स्वादिष्ट है, काश तुम इसे खा पाती। यह कोई अफसोस की बात नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं स्वादिष्ट पॉपिट नहीं बना सकती? हाँ, एकदम आसान। क्या तुम ऐसा सोचती हो कि कोला से पॉपिट नहीं बनाया जा सकता है? तो फिर तुम गलत हो, यह अब तक का सबसे अच्छा पॉपिट होगा। और वैसे भी कोला भी चॉकलेट की तरह जल्दी से जम सकता है। तैयार, अब मेरे पास भी स्वादिष्ट पॉपिट होगा। मुझे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा है। देखो एकदम आसान है, इसे बस मोल्ड से खींचकर बाहर निकालना है। अरे तुम क्या कर रही हो, मुझे क्यों मार रही हो? मुझे माफ कर दो प्लीज, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। गुस्सा मत करो, बेहतर होगा मेरा पॉपिट देखो यह कैसा निकला है। वाह, यह सच में स्वादिष्ट लग रहा है, क्या मैं भी खा सकती हूँ? खाना है? हाँ क्यों नहीं, तुम्हें पसंद आएगा। तुम जब तक ये मेरा चिपचिपा पॉपिट चाट रही हो तब तक मैं तुम्हारा चॉकलेट वाला पॉपिट खाती हूँ। तुम बिल्कुल सही कह रही थी, यह सच में स्वादिष्ट है, मुझे पसंद आया। अच्छी बात है कि तुमने इसे मेरे साथ शेयर किया मेरी दोस्त। मेरी मदद करो प्लीज। ओके, ठीक है, अब वास्तव में मदद करने का समय है। वैसे भी अब कोई पॉपिट नहीं बचा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चोर, यह सिर्फ शरारत थी। हुर्रे, यह आईफोन है, बिल्कुल नया। उन्हें कैसे पता चला कि मैं कब से इसके सपने देख रही हूँ? मेरे पास भी आईफोन है, लेकिन यह अजीब रंग का है। मुझे नहीं पता कि भूरे रंग का भी आईफोन होता है। अरे वाह, यह चॉकलेट है, हम दोनों किस्मत वाले निकले, ये बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, मैं जल्दी से देखना चाहती हूँ कि ये कितना स्वादिष्ट है। मुझे लग रहा है कि इसका स्वाद जादुई होगा। तो कैसा है, स्वादिष्ट? मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ यह सच है, अद्भुत। पर अफसोस कि तुम्हें यह नहीं मिला। हाँ,
बहुत स्वादिष्ट। वैसे तुम्हारा असली फोन कैसा काम कर रहा है? बुरा नहीं है, इसके साथ भी मैं स्वादिष्ट ट्रीट्स खा सकती हूँ। देखो मैं टेबल पर स्वादिष्ट खाना ला सकती हूँ। वाह, यह सच में ऐसा हो रहा है। इसने एक बार काम किया तो फिर से काम करेगा। क्या तुम मेरे लिए भी अच्छी ट्रीट्स ला सकती हो? इसके लिए तुम्हें कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। नहीं, मेरे पास खुद ही ज्यादा नहीं है। कॉकरोच तो मैं नहीं खाऊंगी, इसे डायना के लिए रख देती हूँ। डायना, ये लो तुम्हारे लिए ट्रीट। नहीं, मुझे कॉकरोच नहीं चाहिए, मुझे इसे बचाओ, इसे दूर करो। ओह, ये बहुत ही घिनौना है। आखिरकार वह भाग गया, अब वो कभी नहीं आएगा। नहीं नहीं, बचाओ, अरे लग रहा है मैं मर जाऊंगी, मुझे पकड़ो। खैर, अब महत्वपूर्ण यह है कि वह कॉकरोच चला गया तो हम अपनी ट्रीट्स खा सकते हैं। दरादा पर आपको हमेशा स्वादिष्ट और मुंह में पानी लाने वाली चुनौती मिलेंगी। चॉकलेट और इसी तरह की और स्वादिष्ट ट्रीट आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहें।